थैंक यू सर, ओके सर। अलीम खान भी जर्नलिज्म में सागर वहां है, सागर यूनिवर्सिटी में, तो ओह अच्छा, अलीम अलीम। जी, वाह हाँ। बहुत अच्छा है, बहुत चलिए अच्छा। सर, 5:30 बज गई है, मेरे ख्याल अब शुरू करना चाहिए आरंभ अपना का, बिल्कुल बिल्कुल, वाह विश्व फोटोग्राफी दिवस की आप सभी मित्रों को हार्दिक बधाई शुभकामनाएं। जैसा कि आप सभी को विदित है, कम्युनिकेशन टुडे की लगभग 3 वर्ष पहले यह अकादमिक यात्रा शुरू हुई थी वेबिनार श्रृंखला के माध्यम से। उस श्रृंखला में आज हम 90वीं वेबिनार में आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन कर रहे हैं। आप सभी को विदित है आज विश्व फोटोग्राफी दिवस है। 19 अगस्त विश्व फोटोग्राफी दिवस के रूप में दुनिया भर में पेशेवर और शौकिया फोटोग्राफर्स के साथ साथ आम आदमी में फोटोग्राफी को लोकप्रिय बनाने की दृष्टि से प्रारंभ किया गया। इस अवसर पर जो हमने आज विषय औपचारिक नहीं रखा है, केवल इसी रूप में कि हम विश्व फोटोग्राफी दिवस को सामूहिक रूप से सेलिब्रेट करेंगे, लेकिन कुछ विशेषज्ञों को हमने आमंत्रित किया है। हमारे साथ हैं भारतीय प्रशासनिक सेवाओं के सेवानिवृत्त वरिष्ठ अधिकारी श्री हेमंत शेष जी, जो एक संवेदनशील प्रशासक के साथ साथ साहित्यकार के रूप में भी चर्चित हैं, जिनका विस्तार से परिचय जब मैं उन्हें आमंत्रित करूंगा वक्तव्य देने के लिए उस समय आपसे कराऊंगा। हमारे साथ कला चिंतक, छायाकार और ऐसे ही एक सृजनात्मक कलाकार श्री अरविंद ओझा जी भी हैं। भाई महेश जोशी, जिनकी एग्जीबिशन जयपुर में चल रही है, उनसे अभी मेरा संवाद नहीं हो पाया है आज। मुझे लगता है बहुत जल्दी वे भी इसे ज्वाइन करेंगे, क्योंकि इस वेबिनार को आयोजित करने के लिए मुझे उन्हीं की तरह से प्रेरणा मिली थी। कम्युनिकेशन टुडे अपनी प्रकाशन यात्रा के 27 वर्ष में प्रवेश कर चुका है। कम्युनिकेशन टुडे के माध्यम से हमने कोशिश की है कि मीडिया कर्मियों, शोधार्थियों, शिक्षकों के शोध अनुसंधान को हम किसी न किसी रूप से इस मंच के माध्यम से प्रकाशित प्रसारित कर सके। इन 27 वर्षों की यात्रा में अनेक विशेषांक हमने प्रकाशित किए। हाल ही में अभी जो इसका नवीनतम अंक है वो मीडिया लिटरेसी पर है। आजकल विद्यालय स्तर से लेकर के विश्वविद्यालय स्तर पर मीडिया लिटरेसी को पाठ्यक्रम के साथ जोड़ने पर बड़ा बल दिया जा रहा है। इसी दृष्टि से हमने लगभग 450 पृष्ठ का ये विशेषांक प्रकाशित किया। इसके पूर्व भारत में मीडिया शिक्षा की एक सदी पूरी होने पर भारत में मीडिया शिक्षा और उसके आलोचनात्मक पक्ष को लेकर के 2 विशेषांक प्रकाशित किए गए। कोविड काल में मीडिया की भूमिका को लेकर के भी हमने विशेषांक प्रकाशित किया। तो हमारी कोशिश रही है कि हम समकालीन मुद्दों से जुड़ करके किसी न किसी रूप से इन मुद्दों को जीवित रखने का प्रयास करें। कोविड ने, जैसा हम बार बार कहते हैं, लगभग हर परिवार में अनेक तरहों के दुख और पीड़ाएं दी है, लेकिन जैसा कि होता है, हर व्यक्ति आपदा में अवसर भी तलाश लेता है। ये एक विकल्प हमें दिया है जिसके माध्यम से हम देश दुनिया के लोगों के साथ जुड़ करके अपने इस विचार यात्रा की परंपरा को नियमित बनाए रख सकते हैं। इसी का उपयोग करके 2020 में गांधी जयंती के दिन ये यात्रा हमने शुरू की और आज हमने लगभग 150 घंटे से अधिक की रिकॉर्डिंग हमारे पास है और देश में लगभग 125 विशेषज्ञ वो मीडिया से जुड़े हुए हैं, मीडिया के अलग अलग पक्षों से जुड़े हुए हैं, शिक्षा जगत से जुड़े हुए हैं, प्रशासनिक जगत से जुड़े हुए हैं, उद्योग, राजनीति, जीवन के विविध क्षेत्रों से जुड़े हुए विशेषज्ञ हैं। वो मीडिया के इन मुद्दों पर किस तरह से सोचते हैं उसको लेकर के हमने ये विचार यात्रा शुरू की है। इस पूरी बातचीत को हम रिकॉर्ड करते हैं और अपने यूट्यूब के माध्यम से कोशिश करते हैं कि देश दुनिया में हमारी भाषा और प्रतीकों को समझने वाले हम उस हर व्यक्ति तक पहुंचने का प्रयास करें। संयोग से आज की हमारे इस वेबिनार में अब तक 345 मित्रों का रजिस्ट्रेशन हो चुका है। क्योंकि ऑफलाइन से हम ऑनलाइन के दौर में आ गए हैं, तो ये चुनौती है हर व्यक्ति के लिए कि कई बार समय की अनुकूलता प्रतिकूलता के कारण हम इसको ज्वाइन नहीं कर पाते हैं, लेकिन उसके पीछे यूट्यूब पे हम अपलोड करने के पीछे यही भाव है कि जिसको जब सुविधा हो इनको सुने और इस विचार यात्रा को आगे बढ़ाए। विषय की पृष्ठभूमि के रूप में मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि ये फोटोग्राफी की यात्रा आप कल्पना कीजिए, जब पहली बार 1820 के आसपास एक कोई फोटो खींच
गया। 8 खींचने के लिए एक खिड़की से फोटो लिया गया था। एक दो फ्रेंच वैज्ञानिक थे, उन्होंने ये प्रयोग किया। आप उनकी खुशी का, उनके रोमांच का एहसास कर सकते हैं जब आज हम मोबाइल से क्लिक होने पर उछल पड़ते हैं उस फोटो को दे करके। सेकंड के अंदर हमें प्रिंट मिल जाता है। हमने हमारे जीवन काल में वो दौर देखा है जब फोटो खींच करके लैब में जाकर धुलवाया करते थे। न जाने कितने यात्राओं से गुजरा है फोटोग्राफी का ये दौर। आज हम जो चर्चा करेंगे फोटोग्राफी के इसी दौर को लेकर के, और उसके साथ जुड़े हुए भाई महेश जी का आग्रह था कि उसके कलात्मक पक्ष को लेकर के हम बातचीत करें, और इसीलिए हमने कुछ ऐसे विशेषज्ञों को आमंत्रित किया है जो इस फोटोग्राफी के साथ साथ साहित्य और कला के संसार से भी बहुत दुनिया के सौंदर्य को हर व्यक्ति अपने हिसाब से देखता है, महसूस करता है, उनकी उन संवेदनाओं को, उन धड़नों को, और अपने कैमरे के माध्यम से उन्हें अपने रिकॉर्ड में संजो करके रख देता है। जिसकी जैसी दृष्टि है उसी प्रकार से कैमरा हर एक के हाथ में है। जरूरत है उस दृष्टि को विकसित करने की जिसके माध्यम से वो अपने आसपास के परिवेश को देखा है, महसूस करता है। इसीलिए कहा गया है कि एक चित्र 1000 शब्दों के बराबर होता है। एक चित्र के माध्यम से हम बहुत कुछ अभिव्यक्त कर देते हैं। लगभग 125 साल पुरानी बात है जब 9 जनवरी 1839 को दो फ्रेंच वैज्ञानिकों ने पहली बार फोटोग्राफी की एक तकनीक को विकसित किया था। और ये मेघना सोनी जी ने ये शेयर कर दिया है अपना जो वो है विंडो। मेरा उनसे अनुरोध है कि वो इसे बंद कर, क्योंकि रिकॉर्डिंग में डिस्टर्ब करेगा ये। मेघा जी इसको आप बंद करो, नहीं हो रहा है तो आप क्विट करके दोबारा ज्वाइन कर लें ताकि इसमें व्यवधान नहीं आए। तो पहली बार फ्रेंच सरकार ने इसका पेटेंट लिया और 19 अगस्त 1839 को, जनवरी में ये टेक्नोलॉजी आई थी, और 1839 को फ्रेंच सरकार ने इसका पेटेंट लेकर दुनिया भर के लिए इसको फ्री कर दिया था। कालांतर में 19 अगस्त 2010 को वर्ल्ड प्रेस फोटोग्राफी डे के रूप मनाने की एक पहल की गई, जब एक ऑनलाइन गैलरी की शुरुआत की गई और दुनिया भर से लगभग 250 लोगों ने उसमें अपना रजिस्ट्रेशन कराया और अपने फोटोग्राफ्स को शेयर किया और एक बातचीत को शुरुआत की। तो प्रतिवर्ष एक विशेष थीम को लेकर के ये दिवस मनाया जाता है, और इस वर्ष की जो थीम है वो थीम है लैंडस्केप। लेकिन हमने, जैसा मैंने आपसे कहा, कि इसे विषय की सीमा में हमने नहीं बांधा है। तो इस पूरी यात्रा को लेकर के आज देश भर में कला प्रदर्शनी आयोजित की जा रही है, सेमिनार्स हो रही हैं, प्रतियोगिताएं हो रही हैं, अनेक समाचार पत्रों ने अपने विभिन्न पृष्ठों के ऊपर इसको प्रकाशित किया है, ऐसे फोटो प्रकाशित किए हैं ताकि जन सामान्य में यह दिवस लोकप्रिय हो सके। तो इस पूरी 200 वर्षों की इस यात्रा को लेकर के और इसके विभिन्न पक्षों को लेकर के हम आज विशेषज्ञों से चर्चा करेंगे। इस चर्चा की शुरुआत के लिए सबसे पहले मैं आमंत्रित कर रहा हूं आदरणीय हेमंत शेष जी को। हेमंत शेष जी का पूरा पारिवारिक वातावरण लेखन और साहित्य के संस्कारों से जुड़ा हुआ रहा है। राजस्थान विश्वविद्यालय से आपने समाजशास्त्र विभाग में अपना अध्ययन पूरा किया, लेकिन उसी के साथ साथ अपने औपचारिक विद्यालय विश्वविद्यालय अध्ययन के साथ साथ आपने साहित्य की विभिन्न विधाओं में भी लिखना शुरू किया। 1973 में आपकी एक लंबी कविता प्रकाशित होती है, प्यारी इतिहास के विरुद्ध, और इसी कविता के माध्यम से साहित्य सृजन के प्रति जो आपका जुड़ाव हुआ, लगाव हुआ, उसने आपको राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिष्ठित किया। आपके 28 से अधिक पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं, जिसमें 13 आपके काव्य संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं। इन 13 काव्य संग्रहों में जो प्रमुख है, घर बाहर, वृक्षों के स्वप्न, नींद में मोहन जोदड़ो, अछूत अशुद्ध सारंग, कष्ट के लिए क्षमा इत्यादि। एक कवि के साथ साथ एक आलोचक के रूप में भी हेमंत शेष जी साहित्य जगत में जाने जाते रहे हैं। आपकी कुछ संपादित कृतियां, जिनमें सौंदर्य शास्त्र के कला विकास, कला विमर्श, भारतीय कला रूप, भारतीयता की धारणा, भारतीय रंगमंच आदि प्रमुख है। आपका एक काव्य संग्रह जगह जैसी जगह को प्रतिष्ठित बिहारी पुरस्कार से भी
सम्मानित किया गया। बिरला फाउंडेशन का ये पुरस्कार जो राजस्थान के किसी प्रतिष्ठित साहित्यकार को प्रतिवर्ष दिया जाता है, उससे भी आप सम्मानित हो चुके हैं। कहने का अभिप्राय यही है कि साहित्य, कला और संस्कृति के साथ साथ पेंटिंग्स और फोटोग्राफी में भी आपकी विशेष रुचि रही है। यो राज्य प्रशासनिक सेवाओं के साथ साथ भारतीय प्रशासनिक सेवाओं के अधिकारी के रूप में भी आपने प्रदेश के अनेक महत्वपूर्ण विभागों में कार्य किया है और अपनी रचनात्मक प्रतिभा के बल पर प्रदेश के प्रशासनिक विकास में भी आपने बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया है। तो एक संवेदनशील प्रशासक, साहित्यकार, कलाकार के रूप में आप आज के इस दिवस पे फोटोग्राफी की इस दुनिया को किस रूप में देखते हैं, मैं आमंत्रित करता हूं आदरणीय हेमंत जी को अपना वक्तव्य देने के लिए। हेमंत श्रेष्ठ जी। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपको कि आपने इस अवसर पर मुझे याद किया और कुछ कहने का मौका दिया। जैसा कि आपके विस्तृत व्याख्यान से, आरंभिक वक्तव्य से सभी को जानकारी हुई कि आज वर्ल्ड फोटोग्राफी डे है, जो कि पिछले अनेक वर्षों से मनाया जाता रहा है और 2010 से, शायद 19 अगस्त से ही 2010 से ये पहला वर्ल्ड फोटोग्राफिक डे बनाया गया था, जिसमें किसी गैलरी ने करीब करीब 250 फोटोग्राफर्स का काम प्रदर्शित किया था, जिसमें 100 देशों के फोटोग्राफर्स थे। तो ये अपने आप में बड़ी बात है। दूसरी बात, मुझे लगता है कि मुझे कुछ आंकड़े मैंने इकट्ठे किए और वो ये बताने के लिए पर्याप्त हैं कि फोटोग्राफी की कला ने कितना जबरदस्त काम किया है पिछले 86 सालों में ही। आपने तो 1836 की बात की, मैं 1937 की चर्चा करना चाहता हूं, जिसमें कि एक फ्रेंच इंजीनियर लुई डोगेर ने 86 साल पहले जो टेक्निक फोटोग्राफी की डेवलप की थी प्रिंट बनाने की, जिसका कि पेटेंट आप के ने कहा भी कि इसको फ्रेंच गवर्नमेंट ने इसको परचेज किया इस पेटेंट को, और विश्व भर के फोटोग्राफर्स के लिए उसको मुफ्त में रिलीज किया उस पेटेंट को। तो 86 साल की अवधि में किसी, शायद किसी और कला रूप ने इतनी तेजी से इतना ज्यादा इतना बड़ा काम नहीं किया है जितना कि तस्वीर की कला ने किया है। और ये कला जो है वो पता नहीं कितने तरह के आयाम इसने प्राप्त कर लिए हैं। और सबसे आश्चर्यजनक ये बात है कि जो कैमरा करीब 86 साल पहले एक तरह से सामने आया था, उसने अब हमारी पृथ्वी से करीब करीब 32 बिलियन लाइट ईयर्स दूर की एक गैलेक्सी का चित्र लिया है। जैसे कि आप सब सभी लोग जानते हैं इस बात को कि पेरिस ऑब्जर्वेटरी में जो एक डेनिश एस्ट्रोनॉमर थे, उनका नाम था ओले रोमेयर। तो ओले रोमेयर ने सबसे पहले तो प्रकाश की गति को मापा था कि प्रकाश की गति जो है वो 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड है। 3 लाख किलोमीटर सेकंड प्रकाश ट्रेवल करता है और एक प्रकाश वर्ष जो है वो करीब करीब 6 ट्रिलियन माइल्स, बिलियन माइल्स के बाद ट्रिलियन माइल्स, तो 6 ट्रिलियन माइल्स प्रकाश वर्ष वो ट्रेवल करती है लाइट। और जो हमारी जो सबसे दूर की गैलेक्सी जो चित्र में या फोटोग्राफी में या कैमरे में या है, हाँ, टेलीस्कोप भी कैमरे का ही एक प्रकार, आधुनिक प्रकार है, जो पकड़ में आई है वो है GNZ-11 नाम की एक गैलेक्सी है, जो कि हमसे पृथ्वी से 32 बिलियन प्रकाश वर्ष दूर है। इसको तो नापना ही मुश्किल है। तो आप ये देखिए कि 86 साल में कैमरे ने इस कदर उन्नति की है कि आपसे लाखों करोड़ों अरबों
किलोमीटर दूर का चित्र आप यहाँ पृथ्वी पर बैठे बैठे ले रहे हैं। दूसरी बात यह है कि एक आंकड़ा हमने और कहीं से देखा और वो ये है कि 54,000 से भी ज्यादा, 54 टू बी स्पेसिफिक, 54,400 चित्र हर सेकंड अपलोड किए जाते हैं। मतलब करीब करीब समझिए कि 9,50,00,000 फोटोज रोज अपलोड किए जाते हैं। जैसे इंस्टाग्राम में अकेले में 95 मिलियन, 9,50,00,000 तो इंस्टाग्राम में ही है, और 350 मिलियन फोटोज होते हैं फेसबुक पे अपलोड करने के लिए रोज होते हैं। तो 350 मिलियन और 9,50,00,000 फोटोग्राफ्स, तो आप ये समझ लीजिए कि ये आंकड़ा कितना बड़ा है कि 15 मिलियन फोटो हर घंटे में अपलोड हो रहे हैं, जिसमें कि 2,50,000 फोटो हर मिनट में अपलोड हो रहे हैं और 4,000 फोटो पूरे संसार में हर सेकंड में अपलोड हो रहे हैं विभिन्न मीडिया के ऊपर। तो अब आप समझ लीजिए कि ये कितना बड़ा काम फोटोग्राफी का चल रहा है जाने अनजाने में। जैसे मैकलीन मैकलुहान, जिसको प्रिंटेज कहते थे, वो प्रिंटेज नहीं होकर के मुझे लगता है कि ये फोटो एज या फोटोग्राफी एज इसको कहना चाहिए। तो एक तो सबसे बड़ी बात है कि इस विधा में जितना काम हुआ है और जिस कदर काम हो रहा है, आश्चर्यजनक रूप से बड़ा काम हो रहा है। इसलिए मैं सबको अपनी शुभकामनाएं देता हूँ उस अवसर पर। और ये जब से मोबाइल में फोन का आविष्कार हुआ है, तब से हर आदमी एक फोटोग्राफी कर सकता है, ऐसी सुविधा हो गई है। तो आगे आगे सुविधाएं और बढ़ेंगी, उम्मीद की जानी चाहिए कि हम सब लोग इसका आदर करेंगे, इसको मनाएंगे और अपनी क्रिएटिव हॉबी के तौर पर इस तस्वीर को, छायांकन को अपने अपनी क्रिएटिव एक्सप्रेशन की पहली प्राथमिकता जरूर बनाएंगे। दूसरी बात यह कि इसकी विशेषता मुझे ये लगती है कि समय को अगर फ्रीज करने का कोई भी जरिया मनुष्य ने प्राप्त किया है किसी भी रूप में, तो वो केवल कैमरा ही है, जिसमें कि आप एक बहते हुए क्षण को एक जगह स्थापत्य उसका कर देते हैं। तो एक क्षण को स्थापत्य में बदलना केवल कैमरे से ही संभव हुआ है, और ये अपने आप में तस्वीर खींचने की कला या छायांकन की सबसे बड़ी विशेषता है कि आप समय को स्थिर कर दे रहे हैं, जब चाहे तो आप उसमें लौट सकते हैं। अभी तो इतना ही, फिर आगे हम लोग कहेंगे। थैंक यू। जी बहुत बहुत धन्यवाद हेमंत शेष जी। किस तरह से कैमरे के माध्यम से हम उस बहते हुए समय को, हम कई बार बातचीत में बोलते हैं ना, काश समय थम जाए, तो ये कैमरा ही वो तकनीक है आपके हाथ में जो उस कैमरे को कहीं ना कहीं उस समय को रोक सकने में सक्षम है। निश्चय ही मुझे कई बार लगता है कि हम बैठे बैठे जब उन पुरानी स्मृतियों को देखते हैं तो अपने आप में उस भूले बिसरे संसार में ऐसे रम जाते हैं, खो जाते हैं कि पूरे इतिहास के साथ हम साक्षात्कार करने लगते हैं। तो उस रोमांच को वही व्यक्ति महसूस कर सकता है जो कहीं इन सारी अनुभूतियों को एक तरह से उनके साथ तादाद में स्थापित कर लेता है। बहुत बहुत धन्यवाद भाई हेमंत शेष जी। कुछ मित्रों ने हैंड रेस किए हैं तो उनसे मेरा रिक्वेस्ट है, थोड़ा सा धैर्य रखें, जब हमारे विशेषज्ञ अपनी बात कर लेंगे उसके बाद आपको मौका मिलेगा अपनी बात कहने का, आपके ऑब्जर्वेशंस, कोई सवाल, किसी तरह की प्रतिक्रिया हमारे विशेषज्ञों के साथ। चलिए आइए, अब मैं आमंत्रित कर रहा हूँ मूलतः है चित्रकार, कवि और कला चिंतक अरविंद ओझा जी को, जो इस समय दिल्ली में है। पिछले 2-2.5 दशकों के से आप कला, डिजाइन, साहित्य, सिनेमा और शिक्षा से जुड़े हुए हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय से आपने इतिहास में अपनी स्नातक पढ़ाई पूरी की और उसके बाद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन एंड टेक्नोलॉजी से टेक्सटाइल डिजाइन में आपने अपनी मास्टर्स उपाधि प्राप्त की। टेक्सटाइल, विजुअल डिजाइनर और एडवर्टाइजिंग जैसे क्षेत्रों में एक लंबे समय से आप काम कर रहे हैं। एक तरह से आपने अपने करियर को एक विशेष रूप दिया है और अपनी एक पहचान आपने इस दुनिया में बनाई है। इसी के साथ साथ आपने साहित्य और अमूर्त कलाओं पर केंद्रित कुछ प्रमुख लघु फिल्में बनाई हैं,
जो अनेक अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में प्रदर्शित की गई और पुरस्कृत की गई। इस तरह से उन फिल्म समारोह के माध्यम से आपने एक कलात्मक शैली और कथ्य का कहना चाहिए कि एक स्वरूप जो है वो विकसित किया है। अरविंद ओझा जी ने, मैं यूं कहूं कि वो स्व शिक्षित कलाकार है तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। भारतीय समकालीन कला जगत में नवतंत्र कला दृष्टि से इनका विशेष जुड़ाव रहा है। देश के अनेक एकल और सामूहिक कला प्रदर्शनियों में आपकी सहज सक्रिय भागीदारी रही है और एक कला चिंतक के रूप में आप देश की अनेक प्रमुख कला पत्रिकाओं और जो हमारे मूल जो धारा के समाचार पत्र हैं, राष्ट्रीय सहारा और अन्य, उनके साथ भी आप जुड़े रहे हैं और उनके संपादकीय पृष्ठों पर भी नियमित रूप से प्रकाशित होते रहे हैं। कला और शिक्षा के क्षेत्र में विशेष रचनात्मक योगदान के कारण देश के अनेक प्रमुख शैक्षणिक संस्थानों में आप एक विशेषज्ञ के रूप में, वक्ता के रूप में आमंत्रित किए जाते रहे हैं। अनेक जो जूरी हैं उसके भी आप सदस्य रहे हैं और अपने उस निर्णय के माध्यम से, अपने मार्गदर्शन के माध्यम से उस नई पीढ़ी को भी तैयार कर रहे हैं। अनेक पुरस्कारों से सम्मानित भाई अरविंद ओझा जी अपनी कला दृष्टि से देश में एक नए सांस्कृतिक जागरण के प्रतीक बन के उभरे हैं और वर्तमान में लोकनायक जयप्रकाश राष्ट्रीय कला और संस्कृति प्रतिष्ठान के राष्ट्रीय महासचिव भी हैं। ग्राम स्वावलंबन और सांस्कृतिक उद्यमता को लेकर देश के अलग अलग हिस्सों में इनके द्वारा किए जा रहे व्यक्तिगत और सामूहिक प्रयासों को राष्ट्रीय स्तर पर सराहा गया है। इसी वर्ष इनका पहला काव्य संग्रह पृथ्वी अब आकाश है प्रकाशित होने वाला है। मैं भाई अरविंद ओझा जी से अनुरोध करूंगा कि कला, संस्कृति, छायांकन और साहित्य के क्षेत्र में जो आपका अनुभव है, आज इस विश्व फोटोग्राफी दिवस पर हमारे साथ शेयर करें। भाई अरविंद ओझा जी। सर नमस्कार, मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? जी सर, आ रही है बिल्कुल। इस मंच पर उपस्थित जितने भी गणमान्य विशिष्ट व्यक्तिजन हैं उन सबका मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं और संजीव जी का विशेष आभार कि उन्होंने मुझे आमंत्रित किया, और श्री हेमंत शेष जी जो एक पैनल एक्सपर्ट के रूप में हैं और हमारी जो संस्था है लोकनाया जय प्रकाश राष्ट्रीय कला प्रतिष्ठान उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, ये बात आप लोगों को नहीं पता है। और मुझे बड़ी खुशी है कि इस मंच पर हेमंत शेष सर को बुलाया गया। दो तीन महत्वपूर्ण बातें हैं। सबसे पहले तो जो वर्ल्ड फोटोग्राफी डे है उसका मैं अधिक बधाई देता हूँ जितने भी यहाँ पे फोटोग्राफर बैठे हुए हैं और अन्य जो भी रचनाकार हैं जो इस मंच से जुड़े हुए हैं। मूलतः मैं दो तीन बातें इंगित करना चाहूँगा। हेमंत सर ने बहुत महत्वपूर्ण बात कही। उन्होंने बताया कि जो फोटोग्राफी का जो इन्वेंशन है उससे जो मनुष्यता का जो विकास हुआ कालांतर में वो कैसे प्रभावित हुआ और आज जिस वैज्ञानिक युग में हम लोग जी रहे हैं उसमें फोटोग्राफी एज अ क्रिएटिव टूल कितना इम्पॉर्टेंट है और कितना सिग्निफिकेंट रहा है। तो दो तीन बहुत महत्वपूर्ण बातों पर सर ने प्रकाश डाला और बहुत सारे जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं उन्होंने बताया कि आज के समय में जब हम फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया के अनेक जो मंच हैं वो हमारे लाइफ के एक इनविटेबल पार्ट हैं, एक अविभाज्य अंग बन चुके हैं और वहाँ पे हम देखते हैं कि जो दृश्य का जो स्वरूप है, जो चित्र का स्वरूप है उसके बीच में ही हम घिरे हुए हैं। हमारे जीवन का जो हर पल है, हर जो मिनट है, हर जो घंटे हैं, हर दिन है वो किसी न किसी रूप में डॉक्यूमेंटेड हो रहे हैं चित्र के माध्यम से। और एक बहुत ही विशाल, मैं तो कहता हूँ कि टेक्नोलॉजी में अभी तो सबसे बड़ी जो बातचीत हो रही है कि इतना डेटा जो पर डे अपलोड किया जा रहा है सोशल मीडिया पे उसको कालांतर में कैसे प्रिजर्व किया जाएगा, अब एक नई टेक्नोलॉजी पे बातचीत चल रही है और बहुत सारे गूगल और बड़े बड़े जो इंस्टीट्यूशन हैं वहाँ पे मेरे मित्र काम करते हैं उनसे मेरी बातचीत होती है तो वो लोग यही कहते हैं कि अब नया जो विषय है और जो नई जो चिंता है वो ये है कि इतना जो डेटा बैंक क्रिएट हो रहा है वीडियोज़ का, फोटोज़ का, हाई रेजोल्यूशन डिजिटल एज में हम लोग जी रहे हैं, एक फोटोग्राफ का जो रेजोल्यूशन पहले एक नॉर्मल हुआ करता था कई गुना बढ़ चुका है, तो इनको कैसे प्रिजर्व किया जाए, सालों सालों का जो डेटा है उस पर जो वैज्ञानिक अनुसंधान है
निरंतर जारी है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण पक्ष है और इसी कारण से जो फोटोग्राफी डे है या फोटोग्राफी से जुड़े जितने लोग हैं उनको ये समझना चाहिए और ये बात समझ में आनी चाहिए कि आज के समय में जो फोटोग्राफी है वो हमारे देखने का जो नज़रिया है इस संसार को, अपने परिवेश को, ज्ञान के अनेक ऐसे स्वरूप हैं जिनको हम लोग पहले सुनते थे। आज तो मैं कहता हूँ कभी कभी मुझे लगता है कि आने वाले समय में पता नहीं इतिहास की कितनी प्रासंगिकता रह जाएगी, क्योंकि जितनी भी बातें हैं वो सब रिकॉर्ड हो रही हैं, या तो वीडियो के माध्यम से हो रही हैं या फोटोग्राफी के माध्यम से हो रही हैं। तो इतिहास लेखन की जो एक ऐसी परंपरा थी जहाँ पर बहुत सारे ऐसी संभावनाएँ थी, जहाँ पर इंटरपोलेशंस होते थे, आने वाले समय में लगता है कि जो डिजिटल जो वर्ल्ड है वो कहीं ना कहीं एक नया स्वरूप देगा पूरी मनुष्यता को और हमारे मानव समाज और हमारे रचनात्मक परिवेश को। इससे इतर दो तीन बातें हैं जो मुझे लगता है कि मुझे करनी चाहिए। वो है कि फोटोग्राफी की जो रचनात्मक प्रक्रिया है उस पर हम लोग थोड़ी बात कर लें। हेमंत सर ने बहुत महत्वपूर्ण बात कही कि समय के प्रवाह को रोकने की जो ताकत है उसे एक क्षण में बदल कर रोकने की जो ताकत है वो निश्चित रूप से फोटोग्राफी के पास है। लेकिन मैं कहता हूँ कि ये जो परंपरा है बहुत सालों पहले से, हजारों साल पहले से चित्रकला यही करती आई है। चित्रकला भी समय का एक रुका हुआ पल ही है। मुझे लगता है कि जो फोटोग्राफी का जो फंडामेंटल जो कंसेप्चुअल बेस है वो चित्र से ही शुरू होता है और कैसे धीरे 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 जो फोटोग्राफी है वो कैसे चलचित्र में बदलता है। मैं देखता हूँ कि जो चित्र की जो भाषा है, चित्र की जो उपस्थिति है हमारे जीवन में, वो न सिर्फ दृश्य कला में चित्रकला से शुरू होती है बल्कि फोटोग्राफी से होते होते वो पूरी सिनेमैटिक लैंग्वेज की जितनी भी विधाएं हैं वहाँ तक ये अपनी यात्रा करती है। तो प्रश्न ये है कि जब हम किसी भी दृश्य को देखते हैं, एक जब चित्रकार किसी दृश्य को का अवलोकन करता है और उस अवलोकन से उसके मनोजगत में जो अनुभूतियाँ उत्पन्न होती हैं और जो कलात्मक अभिव्यक्ति वो करता है उसका रचनात्मक स्वरूप क्या होता है। एक फोटोग्राफर जब एक कैमरे के व्यू फाइंडर से किसी दृश्य को देखता है और उसमें तमाम जो एलिमेंट्स हैं उनसे जब वो संवाद करते हुए अपने शटर को क्लिक करता है और एक दृश्य हमेशा के लिए कैद हो जाता है उसके कैमरे में, उसकी रचनात्मक प्रक्रिया क्या है। या फिर फोटोग्राफी का जो एक जो चित्र है वो तमाम अनेकों चित्रों को एक साथ लेकर 24 फ्रेम पर सेकंड के हिसाब से जब वो एक साथ आता है और एक सिनेमेटोग्राफी का रूप लेता है और वहाँ पे एक जब रचनाकार व्यू फाइंडर से देखता है तो उसकी रचनात्मक प्रक्रिया क्या हो सकती है। मुझे लगता है कि ये बहुत फंडामेंटल चीज़ें हैं जहाँ पे हमें ध्यान देने की ज़रूरत है। और मुझे लगता है इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात है, जैसे मैं एक बार रघु राय जी का इंटरव्यू देख रहा था या सुन रहा था, बहुत साल पहले की बात है, उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण बात कही थी जो मुझे हमेशा के लिए ये बात याद रही। उन्होंने कहा कि दरअसल क्या होता है कि जो अच्छे जो फोटोग्राफर हैं या अच्छे जो फोटोग्राफ्स हैं, अच्छे और बुरे का क्या फ़र्क होता है। सारे फोटोग्राफ्स अच्छे होते हैं, अब तो चूंकि हम डिजिटल एज में हैं, कैमरे की क्वालिटी इतनी बेहतर हो चुकी है कि आप किसी भी दृश्य के सामने अगर आप फोटो क्लिक करते हैं तो ये बिल्कुल निश्चित तौर पे कहा जा सकता है कि न्यूनतम स्तर पे तो एक सुंदर चित्र जो है वो कैप्चर करेगा ही करेगा। कहने का मतलब है कि जो टूल्स हैं, जो तकनीक है, वो ज़्यादा बेहतर हो चुकी हैं और जो जो कलाकार है, जो फोटोग्राफर है, उसका जो विजन है, अब उसके पास ये चैलेंज है कि वो उस टेक्नोलॉजी की जो लिमिटेशंस है क्रिएटिव, उसको कैसे सरपास करता है। टूल्स अगर क्रिएटिव पर्सन के विजन को कंट्रोल करता है तो निश्चित रूप से जो भी चित्र या दृश्य वो कैप्चर होता है वो अपने आप में सुंदर तो हो सकता है लेकिन कलातीत नहीं हो सकता, बहुत महत्वपूर्ण नहीं हो सकता है। वो तभी हो सकता है जब फोटोग्राफर उस टूल्स को साधे और उसको एज ए मीडियम यूज करे और उससे कोई दृश्य जो संरचना है उसको वो कंपोज करे। इसी संदर्भ में रघु राय ने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही थी जो मैं चाहता हूँ कि आप लोगों से साझा करूँ। उन्होंने कहा था कि एक बार मैं बनारस के घाट पे बहुत देर तक अपने कैमरे के साथ मैं खड़ा था और अपने व्यू वाइंडर से देख रहा था। सामने गंगा का एक विस्तार था, वहाँ पे घाट का एक दृश्य था, कुछ सीढ़ियाँ नीचे को आती थी और एक स्त्री जो है अभी अभी नहाकर और अपने जो कपड़े हैं उसको ठीक कर रही थी। उन्होंने कहा कि जब मैं उस व्यू फाइंडर से ये दृश्य देख रहा था
तो मुझे लगा कि बहुत ही अद्भुत दृश्य तो है, कंपोजिशन भी बहुत सुंदर है, लेकिन कुछ ऐसा एलिमेंट है जो ये मिसिंग है। वो बोले कि मुझे ये लगा कि बहुत अच्छा है, परफेक्ट है कंपोजिशन, लेकिन कुछ ऐसे एलिमेंट्स इसमें होने चाहिए जो इस दृश्य को एक और ऊपर लेवल पर लेकर जा सके। बोले कि ठीक उसी समय एक जो पिजन है पीछे से उड़ता हुआ आता है और ठीक उस स्त्री के सर के ऊपर से जो है अपनी उड़ान भरता है। बोले कि ठीक उसी समय मैंने कैमरे के शटर को क्लिक किया और एक अद्भुत जो चित्र था उसको उन्होंने अपने कैमरे में कैद कर लिया। तो उन्होंने कहा कि देखिए इसमें दो बातें थी। पहली चीज तो ये है कि एक तो तरीका ये है कि जो फोटोग्राफर होता है वो अपने व्यू फाइंडर से किसी भी कंपोजिशन को देखता है, दृश्य को देखता है, अपने माइंड को क्रिएटिव प्रोसेस में लाता है, विजन को बैलेंस करता है, वाइल्ड ब्रेन और ट्रेंड आइज का एक बैलेंस क्रिएट करता है और एक एक फोटो क्लिक करता है। एक तो ये पद्धति है। दूसरी पद्धति है कि हम व्यू फाइंडर से देखते रहते हैं और उस व्यू फाइंडर में जो एलिमेंट्स हमें देखते हैं वो हमें प्रेरित करते हैं किसी कंपोजिशन तक पहुंचने के लिए। रघु राय जब ये बात कह रहे थे तो वो यही बोल रहे थे कि ये महत्वपूर्ण नहीं है कि हम कैमरे से क्या देखते हैं। वो ये कह रहे थे कि कैमरे से जब हम लगातार देख रहे होते हैं तो कैमरे के व्यू फाइंडर में जितने भी एलिमेंट्स उपस्थित होते हैं वो हमें प्रेरित करते हैं कि हमें एक खास मोमेंट तक लेकर जाएं और उस सर्टेन स्पेस में अननोन एलिमेंट्स जितने भी फ्लोट करें उसको हम किस तरीके से कैप्चर करें और किस तरीके से उसको एक क्रिएटिव कंपोजिशन का रूप दें। तो वो ये कहते हैं कि जब एलिमेंट्स हमको कंट्रोल करने लगे व्यू फाइंडर से तो अब एक सार्थक और महत्वपूर्ण जो दृश्य होता है वो हम कैमरे से कैप्चर कर पाते हैं। ये दृष्टि के हिसाब से, रचना प्रक्रिया के हिसाब से मुझे लगता है कि बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही उन्होंने। थोड़ा और इस बात को थोड़ा मैं एक और लेवल ऊपर लेकर जाता हूँ, क्योंकि मुझे ये लगता है कि हम लोग दृश्य कला के लोग हैं, चित्रकला के लोग हैं, चित्रकला का जो दर्शन है, क्योंकि चित्र भी प्रकाश से संबंधित है और जो फोटोग्राफी भी है ये प्रकाश का ही साइंस है, लेकिन मूलभूत अंतर है। चित्रकला में प्रकाश की जो गति होती है वो अंधकार से शुरू होती है और प्रकाश तक यात्रा करती है। ये चित्रकला का व्योम है, ये चित्रकला का आकाश है। एलडी विंसी कहते हैं कि हर एक कलाकार को जब भी चित्र बनाए तो अनिवार्यतः उसको अपने कैनवास को ब्लैक कलर से पेंट कर देना चाहिए और वहां से प्रकाश की एक यात्रा शुरू होनी चाहिए। वो साफ साफ कहते हैं कि चित्रकला एक ऐसा माध्यम है जिसकी गति अंधकार से प्रकाश की तरफ होती है। ठीक उसके उलट फोटोग्राफी में क्या होता है कि फोटोग्राफी की जो यात्रा होती है वो प्रकाश अंधकार की तरफ होती है। प्रकाश के रिफ्लेक्शन को हम अपने कैमरे के प्लेट पे हम वो करते हैं, कैप्चर करते हैं और फिर उसको डेवलप करके हम एक दृश्य रूप में सबके सामने एक अद्भुत जो है चित्र वो उपस्थित करते हैं। तो मूलतः जो चित्र और फोटोग्राफी में जो अंतर है वो साइंस ऑफ लाइट का यही डिफरेंस है। हर कलाकार को, हर फोटोग्राफर को सबसे पहले तो ये समझने की जरूरत है कि प्रकाश क्या है, प्रकाश के साइंसेस क्या हैं, उसके स्पेक्ट्रम क्या हैं। प्रकाश जब अपने स्रोत से अंधकार तक की यात्रा करता है तो किन बिंबों की, किन दृश्यों की रचना करता है और उससे हम क्या क्या जो रेंज, एक पूरे रूपाकार की जो रेंज हम कैप्चर कर सकते हैं या क्रिएट कर सकते हैं वो क्या हो सकता है, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। इसी बात को, ये सारी बातें मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हो सकता है बहुत सारे जो यहाँ पे लोग उपस्थित हों वो कलाकार हैं और फोटोग्राफर हैं, किसी को कुछ बातें शायद अच्छी लग जाए और वहाँ से कुछ जो विचार हैं है ना वो शुरू हो पाए। तो मैं थोड़ा थोड़ा अपने विचारों को इसलिए रख रहा हूँ कि शायद कोई जो जिज्ञासा है उनके अंदर उत्पन्न हो पाए, लेकिन मैंने इस पर बहुत कंटेम्पलेट किया है और मुझे लगता है कि मूलतः जब हम फोटोग्राफी की बात करते हैं तो ये बहुत गहरी बातें हैं जिनको किसी फोटोग्राफर को समझने की जरूरत है। तीसरी जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है वो ये क्या, ये है कि देखिए जब एक चित्रकार किसी दृश्य को देखता है तो क्या करता है, उस दृश्य के इम्प्रेशन को अपनी स्मृतियों में ले जाता है और अपनी स्मृतियों में कल्पनाशीलता के माध्यम से फिर उस दृश्य को रिक्रिएट करता है। ये पद्धति होती है चित्रकला की। वहां भी दृश्य उत्पन्न किए जाते हैं लेकिन उसकी जो यात्रा होती है बाह्य से अंतर जगत की होती है, अंतर स्मृति की होती है,
और फिर एक रूपाकार को हम गढ़ते हैं, ठीक इसके उलट। फोटोग्राफर ऐसा नहीं करता है, फोटोग्राफर क्या करता है कि जो भी दृश्य हमारे सामने दिख रहे होते हैं उसके अंदर जो बिल्कुल आत्यांतिक जो तत्व होता है किसी दृश्य का, जो अंतिम बिंदु होता है बाह्य जगत का, उसको अपनी दृष्टि से देखने और भेदने की वो क्षमता रखता है या कोशिश करता है। बाह्य दृश्यों को अपने स्मृतियों तक लेकर फोटोग्राफर नहीं जाता है, वो बाह्य दृश्यों को बार बार देखता है, मेडिटेट करता है और निम्नतम जो स्ट्रक्चर है, जो मिनिमल जो कंपोजिशनल जो ब्यूटी है किसी भी दृश्य की, वहां तक उसकी आंखें जाने की कोशिश करती है। और जिस फोटोग्राफर की आंखें इसमें ट्रेंड होती हैं, जो ज्यादा बैलेंस क्रिएट कर पाता है, वो उतना ही बेहतरीन जो चित्र है वो रच पाता है। अब इसमें आपको ये पता है कि जो एक मैग्नम फोटो एजेंसी करके है, बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है वर्ल्ड का, 1947 के बाद, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, एक तीन चार जो बड़े वर्ल्ड के फोटोग्राफर थे, जिनमें एक थे, उनका नाम शायद मुझे याद नहीं है, याद नहीं है कि उनका नाम क्या था, उसमें तीन लोग थे, हाँ, एक हेनरी कार्टर थे, हेनरी कार्टर ब्रेसों थे, और रॉबर्ट कापा थे, ऐसे तीन चार बहुत बड़े फोटोग्राफर थे वर्ल्ड के। उन्होंने मिलकर एक मंच बनाया जिसको बोला गया मैग्नम फोटो। मैग्नम फोटो आज के समय में बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, पूरे इंडिया से पिछले 30-40 सालों से मुझे लगता है कि सिर्फ रघु राय ही उसके मेंबर हैं, बाकी अभी तो कोई फोटोग्राफर वहां तक नहीं पहुंच पाया, या रिसेंटली अगर कोई पहुंचा हो तो मुझे पता नहीं है, है ना। बहुत ही प्रेस्टिजियस प्लेटफॉर्म है और जितने भी वर्ल्ड के फोटोग्राफर हैं वो अपने बेहतरीन क्रिएटिव एक्सप्रेशन के लिए, बेहतरीन फोटोग्राफिक एक्सप्रेशन के लिए, उसमें उसमें कंपटीशंस भी होते हैं, उसमें अवार्ड्स भी दिए जाते हैं, वो लोग अपने चित्र भेजते हैं वहाँ पे और उसमें सिलेक्शन होता है और उनको सदस्यता दी जाती है। उन उस मैग्नम फोटो एजेंसी के जो फोटोग्राफ्स हैं पूरे वर्ल्ड के, वो अद्भुत है। आप वर्ल्ड के टॉप 10 जो फोटोग्राफ्स हैं, जो अब तक के बेहतरीन फोटोग्राफ्स हैं, जब आप उसको देखते हैं तो आप देखते हैं कि इन्हीं जो फोटोग्राफर हैं वर्ल्ड के, उन उनके ही फोटोज हैं वो। और बहुत सारे ऐसे हैं, एक बहुत फेमस फोटोग्राफ है, मैंने बहुत पहले देखी थी, लंच एट द टॉप ऑफ स्काई स्क्रैपर करके एक फोटोग्राफ, आप लोग जरूर देखिएगा। वो किसने खींची थी वो फोटो नहीं पता है, बहुत पहले 1935 या 45 की का फोटोग्राफ था। उसमें दिखाया गया है कि नीचे सिटीस्केप है और एक कंस्ट्रक्शन करने वाली जो मशीन होती है उसका एक पूरा जो है ना पैनल सामने है, और उस पर मजदूर कुछ बैठे हुए हैं, 10-15 मजदूर, वो उस पर बैठ कर वो लंच कर रहे हैं, और नीचे जो है घाटी दिख रही है और सिटीस्केप दिख रहा है। ये 1945 में इस तरह के जो एक्सपेरिमेंट्स थे, या तो एक्सीडेंटल फोटोग्राफ भी हो सकता है, लेकिन इस तरह के जो फोटोग्राफ्स थे, ये जो विजन था ये बहुत ही अद्भुत था। और इसके अलावा जो एक बहुत है आपका जो फेमस है, वीजे डे इन टाइम स्क्वायर, एक बहुत फेमस फोटोग्राफ है जिसमें एक पुरुष और एक महिला एक दूसरे को किस करते हैं टाइम स्क्वायर पे, है ना, वो आप देखिए बहुत महत्वपूर्ण वो फोटोग्राफ बना जाता है। गांधी विद स्पिनिंग जो मशीन है वो बहुत अद्भुत है। इसके अलावा आप देखें, बहुत एक है दिल्ली टू मुंबई, एक रघु राय की एक फोटोग्राफ है जिसमें एक सर्व जो बैरा है जो सर्व करता है उसका एक फोटोग्राफ है ट्रेन से बाहर झांकते हुए। मतलब आप देखें कि गति और अगति के बीच में जो संभावनाएं दृश्य की, जितनी खूबसूरती से इन लोगों ने तलाशी है और जिस तरीके से ब्लैक एंड व्हाइट में इन लोगों ने उन दृश्यों को अंकित किया है अपने फोटोग्राफी के माध्यम से, बहुत अद्भुत है। और सिर्फ यही नहीं, जो बड़े नाम मैं ले रहा हूँ, अनेकों कलाकार मैं देखता हूँ कि ऐसे अनेकों कलाकार हैं हमारे आसपास, ऐसे कलाकार हैं जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, वो प्रकृति से संवाद कर रहे हैं, प्रकृति के जो मूल तत्व तो है उसके पास वो जी रहे हैं, उस कला को, उस आर्ट को। जब तक से हम अपने एलिमेंट से एक संवाद स्थापित नहीं करते हैं, जब तक हम पूरा का पूरा जुड़ते नहीं अपने एलिमेंट से, अपने परिदृश्य से और दृश्य से, तब तक नहीं लगता है कि वो एलिमेंट्स हमसे बात करती है। और मुझे लगता है कि वो सारे ही कलाकार, सारे रचनाकार, सारे जो फोटोग्राफी से जुड़े हैं या किसी भी विधा से, जब वो अपने परिवेश से जुड़ते हैं, उसे संवाद स्थापित करते हैं, तब जो घटित होता है उनके रचनात्मकता में, उनके कलात्मक अभिव्यक्ति में, वो बहुत ही अद्भुत होता है। तो मुझे लगता है कि ये कुछ महत्वपूर्ण थोड़े से रेफरेंसेज हैं जो मैं रखना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि इस संवाद को और आगे आप बढ़ाएं। जी अरविंद जी की बात से एक बात सूझी मुझे कि
और वो साधारण ही है लेकिन महत्वपूर्ण इस अर्थ में है कि कैमरे के आविष्कार का एक सबसे बड़ा प्रभाव तो ये हुआ कि उसने यथार्थवादी कला को ऑप्सलीट कर दिया। कैमरा अगर किसी चीज की यथापरक यथा तथ्य हूबहू तस्वीर खींच सकता है तो फिर चित्रकार जो कि परंपरागत रूप से दृश्य को अपने चित्र में बनाता है या उसको कोशिश करता, खास तौर पर जो रियलिस्टिक चित्रकार थे, जो ट्रेडिशनल चित्रकार थे, जो कि अपने बिल्कुल पारंपरिक ढंग से चीजों को यथा तथ्य अंकित किया करते थे, इसलिए बाद में ये कहा जाने लगा कि सबसे खराब चित्र वो है जिसपे तितली, अगर किसी चित्रकार ने फूल का चित्र बनाया है तो कोई तितली कंफ्यूजन में उस चित्र के ऊपर फूल समझ के बैठ जाए, वो सबसे खराब चित्र वो है। तो एक अजीब सी बात ये हुई कि जब से कैमरे का आविष्कार हुआ तब से उसके बाद से यथार्थवादी चित्रकला का कोई अर्थ नहीं रहा। और अब जो सबसे आश्चर्यजनक बात जो मुझे पिछले कुछ दशकों की या पिछले कुछ समय की लगती है वो ये कि अब कैमरे के यथार्थ से भी हम पिंड छुड़ाना चाह रहे हैं कि कैमरा जो कुछ देख रहा है उसके अतिरिक्त सर्जित करना भी जरूरी हो गया, क्योंकि वो मनुष्य की अपनी आंतरिक सृजनात्मकता का कोई मैनिफेस्टेशन है जिसमें हम उसको केवल क्लिक करके शटर में उस क्षण को कैद नहीं कर रहे बल्कि उसके बियॉन्ड जाने की भी कोशिश कर रहे हैं। जैसे बहुत सारी टेक्निक्स पैदा हो गई, सोलराइजेशन एक टेक्निक सन 60 के दशक में आई थी, उसके बाद फिर जैसे रॉबर्ट कापा का उल्लेख आपने किया, क्रिस्टीना गोगी का काम है, रेने बूरी का काम है, विलियम क्लीन का भी काम है, एंसल एडम्स का काम है, बहुत सारे मतलब डेविड एलन हार्वे, मार्क रिबॉर्ड, ये सब कलाकार हैं जो मुझे याद आते हैं, रॉबर्ट फ्रैंक एक बहुत बड़े तस्वीर खींचने वाले, इरविन पैन एक बहुत ही कमाल के फोटोग्राफर है, इमोजेन कनिंगम, वो ये कोशिश ये करते हैं कि जो दिखाई दे रहा है उसके बियॉन्ड जाने की कोशिश करें, मतलब हम जो चीज दिखती है उसके अतिरिक्त हम क्या सर्जन कर सकते हैं, क्या सृजनात्मकता उसमें ला सकते हैं, ये एक इम्पोर्टेंट बात हुई है जो कि अब कैमरा भी अपने व्यू फाइंडर के की हद को उलांघने की कोशिश में चल रहा है, और ये अपने आप में एक महत्वपूर्ण बात है। जहां तक आपने शुरू में कहा था कि इसका क्या होगा, तो मुझे लगता है कि ये सर्वे बाकायदा हो चुका है कि एक एवरेज मोबाइल फोन रखने वाले आदमी के इस फोन में 630 तस्वीरें होती हैं एवरेज। तो विश्व में जितने टेलीफोन होल्डर्स हैं, मोबाइल होल्डर्स हैं या स्मार्टफोन होल्डर्स हैं, उनको अगर 630 से गुणा कर लीजिए तो वो सब सुपर कंप्यूटर्स हैं, इसके लिए कोई चिंता की बात नहीं है क्योंकि अनंत काल का डेटा, वो सारा हर चीज आपकी रिकॉर्ड हो रही है, चाहे वो काम कर रहा है या नहीं कर रहा है फोन आपका। लेकिन अगर आप देखेंगे तो आपको हर सेकंड आपका मोबाइल टेलीफोन पढ़ रहा है, देख भी रहा है, सुन भी रहा है। तो ऐसी स्थिति में लाखों करोड़ों अरबों जब लोग अपने टेलीफोन के साथ वो अपने डेटा को भेज रहे हैं तो कोई ना कोई सुपर कंप्यूटर्स हैं जो इनको सबको रिकॉर्ड कर रहे हैं। अब इसका होगा क्या, ये एक महान प्रश्न है, बड़ा प्रश्न है कि इसमें से रिट्राइव करने लायक क्या होगा, कितना उसका क्या इस्तेमाल हो सकता है, उसकी क्या बुराइयां हो सकती हैं, उसके क्या खतरे हो सकते हैं, उसकी प्राइवेसी से उसका क्या संबंध है, किस तरह से एडवर्सली आपकी प्राइवेट लाइफ में दखल दे रहा है मोबाइल फोन वगैरह वगैरह। लेकिन मैं समझता हूँ कि सिनेमेटोग्राफी, तस्वीर खींचने का, छायांकन का, फोटोग्राफी का एक बहुत बड़ा छलांग है, उसकी बड़ी बड़ा आयाम, बड़ा आयाम है, जिसके कि हमारे मित्र एक्सपर्ट भी हैं और इन्होंने बड़ी सुंदर फिल्म बनाई थी पिछले दिनों, उसको देखने का मौका मिला। अभी इन्होंने बात की अपनी, तो अरविंद जी की तस्वीर, इन्होंने जो तस्वीर बनाई मतलब एक पिक्चर बनाई, सिनेमा बनाया, तो सिनेमा भी छायांकन का एक बहुत बहुत डेवलप्ड एक ग्राउंड है, और मैं समझता हूँ कि
अब इस पे कोई लुकिंग बैक जैसी कोई चीज नहीं है कि अब हम लोग वापस पीछे लौट पाएंगे, क्योंकि ऐसी कोई टाइम मशीन नहीं है जो हमको पीछे ले जा सके। अब हमको और भी आगे जाना है। पता नहीं स्पीड को आपने कैप्चर कर लिया, इसको कर लिया, पता नहीं कितनी टेक्निक्स को हम लोग आगे करेंगे और आगे की तस्वीर कैसी होगी, आगे की फोटोग्राफी कैसी होगी, कोई नहीं जानता। हमको केवल उस दिन की प्रतीक्षा करनी चाहिए जब आश्चर्यजनक या जिसको कि फैंटास्टिक रिजल्ट्स कहते हैं, जो कि फैंटेसी से भी बियॉन्ड कोई चीज होगी, तो वो तस्वीर है। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद भाई हेमंत शेष जी, आपने इस चर्चा में हस्तक्षेप करते हुए उन महत्वपूर्ण मुद्दों को उठाया। जब भाई अरविंद जी कह रहे थे कि एक छायाकार किस तरह से प्रकाश से अंधकार की ओर बढ़ते हुए उन चीजों को कैद करता है, चित्रकला से उसकी तुलना कर रहे थे, और जो महत्वपूर्ण बात आपने कही कि तकनीक हावी नहीं हो जाए, तकनीक विजन पे हावी नहीं हो, और यही मुझे लगता है कि आज के दौर की सबसे बड़ी चुनौती है, विशेषकर कृत्रिम बौद्धिकता के इस दौर में। लेकिन फिर जब आपने जब ये बात की कि हम बियॉन्ड उसके भी कुछ कहना चाहते हैं, हेमंत जी ने जो बात कही, मुझे लगता है सर जो अब आपने आपके जब हम कविता पढ़ रहे कोई, उससे फिर हम एक कल्पना लोक में विचरण करते हैं पढ़ते पढ़ते, और जब अरविंद जी उस पर फिल्म बनाएंगे तब मुझे लगेगा कि वो शायद हमारे सामने यूं कि वो रूप आ गया है, और हम उसी को देख करके अपनी कल्पना की परिधि को वहीं सीमित कर लेंगे। तो मुझे लगता है कि ये द्वंद तो साहित्य और जो विभिन्न विधाएं हैं उसमें ये चलता रहेगा, और ये इस तरह की डिबेट्स भी होती रहेंगी, लेकिन भाई अरविंद जी ने जिस तरह से एक छायाकार और चित्रकार उनकी तुलना करते हुए उनके भाव लोक, उनके अंदर की यात्रा को जिस तरह से चित्रित किया, मुझे लगता है बहुत सारे प्रश्न हमारे जो संभागी हैं जिनकी संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, होता प्राय उल्टा है, लोग कम होते जाते हैं, लेकिन यहाँ देख रहा हूँ कि हमने 29-30 से शुरू किया था और 41 तक पार्टिसिपेंट्स हो गए हैं, और अभी पी मेहता जी इन्होंने हैंड रेस किया है, अब वो कुछ कहना चाहती हैं। तो चूंकि महेश स्वामी जी हमारे इसमें उपस्थित नहीं हो पाए हैं, कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि वो व्यस्त हैं, उनकी खुद की एक एग्जीबिशन चल रही है और फोन से भी मेरा संपर्क नहीं हो पा रहा है, तो ये सत्र अब चर्चा के लिए खुला है। जो भी मित्र कुछ कहना चाहते हैं अपना वीडियो ऑन करें, नाम बताएं, अपना परिचय दें, और उसके बाद वो अपना जो भी टिप्पणी है, प्रश्न है, या इस चर्चा को आगे बढ़ाना चाहते हैं आमंत्रित हैं। सबसे पहले मैं पी मेहता जी, जिन्होंने अभी हैंड रेस किया था, यदि वो मेरी आवाज सुन रही हैं तो वो आमंत्रित हैं। पी मेहता जी, आपका हैंड रेस था अभी यहाँ पर, नहीं है, तो मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर एक डॉक्टर राकेश कुमार हैं फाइन आर्ट्स डिपार्टमेंट से, यदि वो कुछ कहना चाहें चित्रकूट से। जी हाँ जी सर, मैं डॉक्टर राकेश कुमार, जी महात्मा गांधी ग्रामोदय विश्वविद्यालय से सर। मैं फाइन आर्ट के विद्यार्थी हूँ, और मैंने स्कल्पचर से BFA एंड पेंटिंग, मतलब स्कल्पचर से BFA, MFA एंड PhD कर रखी है। मैं यहाँ 32 ईयर से इंडस यूनिवर्सिटी में टीचिंग जॉब में हूँ। मैं अरविंद सर से मिल भी चुका हूँ, और मेरा जो मैं बोलना चाहता हूँ जिस विषय पर, कि वैल्यू ऑफ मतलब आर्ट एंड कैमरा, हमारे जीवन में कैमरा का क्या महत्व है, कैमरा और कला का क्या महत्व है। यदि हम इतिहास को जानना चाहें, मैं कला फोटोग्राफी और कैमरा के विषय में तो ज़्यादा नहीं जानता, लेकिन उसके यूजेस एंड वैल्यू एंड उसकी जो है एंगल्स को पे निश्चित बोलना चाहूँगा। और जैसे जैसे हिस्ट्री जानने के लिए है ना कैमरे की आवश्यकता है, या रेखाओं की कला की आवश्यकता है, और आज बहुत सारा डॉक्यूमेंट्रीज जो हैं, पहले क्या होता था, रेडियो था, टेप रिकॉर्ड था, और चलचित्र थे, और रील वाले कैमरे थे, और क्या बोलते हैं कि वो सीडी, फिर उसके बाद सीडी, और फिर सीडी प्लेयर, फिर ऐसे, और फिर उसके बाद जो है अब इंटरनेट का जमाना आ गया और उसके डायमेंशंस बदल गए। और रही बात एंगल एंड कंपोजिशन एंड व्यूज की और कैप्चरिंग की बात है, तो कैप्चरिंग में मैं जहाँ तक देखता हूँ, कि जहाँ तक समझा हूँ मैंने, कि कैप्चरिंग में मेन महत्व होता है कि हमारा नजरिया क्या है, हमारे हमारे जो है
हमारा लेवल क्या है, किस चीज को कैसे हम देखते हैं कैमरे, अगर हम कोई पेंटिंग कर रहे हैं तो उस पे क्या करना है हमें, यदि स्कल्पचर कर रहे हैं तो उस पे क्या करना है, और यदि हम कोई डॉक्यूमेंट्री या कोई चलचित्र कर रहे हैं या कोई स्क्रिप्ट लिखा जा रहा है तो उसमें क्या क्या चीजें, क्या क्या एलिमेंट्स आने चाहिए जो हमारी थीम को, हमारे कॉन्सेप्ट को एक वैल्यूबल, क्या बोलते हैं कि वैल्यूबल जगह दिला सके, चाहे वो इंडिया लेवल पे हो या इंटरनेशनल लेवल पे हो या मतलब एक प्रदेश स्तर पे हो, जहां भी हो उसका अस्तित्व क्या होगा जो हम एक चित्र खींचेंगे या पेंटिंग करेंगे या स्कल्पचर करेंगे, उसकी वैल्यू क्या होगी, वो इन सोसाइटी हमें क्या दे सकेगा और वो उसका इम्प्रेशन इम्पैक्ट सोसाइटी पे क्या जाएगा, पहले तो ये देखना है। और फिर आजकल का जो कंटेम्प्रेरी कॉन्सेप्ट एंड काफी दिनों से जो चेंजेस आए हैं एवरीथिंग एरिया ऑफ आर्ट, जहाँ पे अब जो है पहले आर्ट जो थी कहीं वे एक स्थान ले चुकी थी जहाँ भक्त से भगवान तक जाने की चीजें थी, अब ये वो आर्ट का जो है एक शो पीस और एक ऑर्नामेंटल्स और एक जो है एक 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 ऑर्नामेंटल्स कॉन्सेप्ट हो गया है कि उसको कैसे सा? हाँ जी सर, मैं इस आपका सवाल नहीं समझ पा रहा हूँ और आप क्या कह रहे हैं ये भी बहुत ज्यादा स्पष्ट नहीं हो पा रहा है, तो आप क्या संक्षेप में अपनी बात कह सकेंगे? सवाल के रूप में पूछिएगा अगर कोई बात को आपको कहनी है। ओके तो सवाल हमारा कोई नहीं है, मैं अपनी बात रखना अच्छा चाहता हूँ। ओके ओके ओके, ओके। यदि आपका परमिशन हो तो मैं रखूँ, हालांकि मैं ज्यादा नहीं, 2-3 मिनट लूंगा। यदि आप या कोई 2 मिनट में अपनी बात रखें, हाँ कोई दिक्कत नहीं जी। नहीं सर, आप देखिए कोई नेक्स्ट वक्ता हो तो। नहीं नहीं आप बोलिए, 2 मिनट में अपना वक्तव्य समाप्त कर दीजिए ताकि और भी लोग यदि कहना चाहे तो बात कर सकते हैं जी। और आगे हाँ जी सर, हाँ जी सर, सर मेरा ये है कि आज जो कंटेम्प्रेरी आर्ट चल रहा है, जो एंगल चल रहा है या जो कलाकार या जो भी दृष्टा का या जो है डायरेक्टर का जो भी व्यू है, वो उसकी विषय वस्तु पे विशेष ध्यान रखने की जरूरत है, जो एक समाज में एक विकृति है उसकी विषय वस्तु एक अच्छी होगी तो मुझे लगता है कि हम लोग का दायित्व हम अच्छे से निभा सकेंगे। बस थैंक यू सर। अच्छा और कोई मित्र कुछ कहना चाहे? डॉक्टर कैलाश यादव नांदेड़ से हमारे साथ जुड़े हैं, नांदेड़ महाराष्ट्र, वो भी मीडिया के वरिष्ठ शिक्षक हैं। कैलाश जी आप सुन रहे हैं मुझे? नहीं सुन रहे। नवेंदु जी हिमाचल, बिलासपुर हिमाचल से हमारे साथ हैं। यस सर। हाँ जी, हाँ नवेंदु जी आप सर, मैं नॉलेज गेन कर रही हूँ, मुझे बोलना कुछ नहीं है। अच्छा अच्छा चलिए, थैंक यू थैंक यू। कोई और मित्र? दयानंद जी आप कुछ कहना चाहेंगे? नमस्कार जी, नमस्कार जी। हाँ दयानंद जी बोलिए। हाँ मैं डॉक्टर दयानंद पाटन हरियाणा से, हरियाणा के जिले से, एमएन सेठ जी का और ये अरविंद जी का बहुत बढ़िया वक्तव्य था। अब इसमें जो एक चिंता व्यक्त की गई थी कि जो इतना फोटोग्राफी का जो डाटा इतना इकट्ठा हो रहा है उसका, क्योंकि तो इसमें तकनीक भी आगे आगे बढ़ती जा रही है, जैसे डाटा वेयर हाउस है, डाटा माइनिंग है, इसमें इसके अंदर तो डाटा की तो कोई फोटोग्राफी का डाटा है, बल्कि इससे तो टेक्नोलॉजी के हमें सुविधा और मिली है कि हमें जो पहले जो चित्रों का डाटा था वो हम सहज नहीं पाते थे, अब इसको संरक्षित और सहज जा सकता है। तो इसमें जरूरत है कि टेक्नोलॉजी को इसके ऊपर फोटोग्राफी पर हावी न होने दिया जाए, बल्कि इसका टेक्नोलॉजी का इसको यथार्थ बनाने के लिए फोटोग्राफी प्रयोग किया जाए। धन्यवाद। धन्यवाद दयानंद जी। कोई और मित्र कुछ कहना चाहें? चलिए मुझे लगता है कि और कोई मित्र कुछ कहना नहीं चाहते हैं, क्योंकि महेश स्वामी जी अभी तक जुड़ नहीं पाए हैं, तो इस चर्चा को अपन यहीं विराम देंगे।
मैं आभारी हूं भाई हेमंत शेष जी का और भाई अरविंद ओझा जी का, जो उन्होंने आज के इस विश्व फोटोग्राफी दिवस पर हमें संबोधित करते हुए छायांकन क्षेत्र के कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं की ओर ध्यान दिलाया। आज के इस दौर में किस तरह फोटो डेटा इकट्ठा हो रहा है और जिस तरह से हेमंत जी ने अनेक आंकड़ों को उद्धृत करते हुए बताया कि जीवन के हर क्षण में करोड़ों फोटोग्राफ्स विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर अपलोड हो रहे हैं, ये शायद आम आदमी के उस जुनून की और भी संकेत है कि किस तरह से हम उस क्षण को, जीवन के विभिन्न क्षण को कैद कर सकते हैं। अब वो जब नन्हा बच्चा घर में जन्म लेता है तब से लेकर के उस हर हरकत को, उसके हर एक्शन को, वो नव दंपत्ति जो है वो कहीं ना कहीं उस क्षणों को कैद कर लेना चाहते हैं। मुझे पता नहीं आने वाले समय में वो बच्चे या वे स्वयं उन चीजों को कितना देखेंगे, लेकिन पूरा का पूरा इतिहास अपने साथ लेकर के चलते हैं। तो ये फोटोग्राफी का जुनून, और जैसा भाई अरविंद जी ने कहा कि वो तकनीकी टूल्स हमारे पास आ गए हैं जिनके माध्यम से हम अपने विजन को जोड़ते हुए बेहतरीन फोटोग्राफ खींच सकते हैं। क्योंकि अंततः जब हम मीडिया की बात करते हैं, पत्रकारिता की बात करते हैं, तो हम अक्सर इस बात को रेखांकित करते हैं कि कंटेंट इज किंग, तो उसका कथ्य किस तरह का है, फोटो किस तरह से अपने आप को कम्युनिकेट कर रहा है, किस तरह से वो चित्र अपनी बात कह रहा है, अंततः वही चीज जीवित रहेंगी। आप सबको मालूम है प्रतिवर्ष दिए जाने वाला पुलित्जर अवार्ड वो ऐसे ही क्लासिक या कालजयी फोटोग्राफ्स के लिए दिया जाता है जो अपने आप में एक इतिहास बन जाते हैं। बहुत सारे तो उदाहरण दिए जा सकते हैं। विश्व फोटोग्राफी दिवस पर ये अपनी तीसरी वेबिनार है। पिछली वेबिनार्स में इंडिया टुडे के और कुछ फोटोग्राफर्स आए थे जो उन्होंने उन दृश्यों को आपको समझाया था, फोटोग्राफ्स दिखाए थे कि किस तरह से फोटोग्राफ एक युग का भी निर्माण करते हैं। तो आज के हमारे उन दोनों जो विशेषज्ञ हैं उन्होंने उसके उस सैद्धांतिक और उस आंतरिक पक्ष के जिस तरह से चर्चा की, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हमें सोचने के लिए विवश करेंगे। जैसा मैंने आपसे निवेदन किया था शुरू में, इस पूरी रिकॉर्डिंग चर्चा को हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, इस रिकॉर्डिंग को हम YouTube पे अपलोड करेंगे। आपसे हमारा अनुरोध है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने कमेंट्स करें, ताकि हमारा उत्साहवर्धन हो, मार्गदर्शन मिले, और मित्रों के साथ शेयर भी करें, ताकि ये जो हमारा एक छोटा सा विनम्र अभियान है इसको और अधिक बल मिल सके। मैंने चैट बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक शेयर किया है। जो मित्र कम्युनिकेशन टुडे की उन गतिविधियों के साथ सक्रिय रूप से जुड़ना चाहते हैं उनसे भी मेरा अनुरोध है कि वो हमारे उस ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि चूंकि ये सारी जानकारी जो है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से आपको दे रहे हैं। अभी तक जो हमारी इसकी तकनीकी सहयोगी है डॉक्टर पृथ्वी सेंगर, जो मेरठ के IIMT यूनिवर्सिटी में इस समय अध्यापन कार्य कर रही है, हमारी शोधार्थी रही है, उन्होंने मुझे अभी सूचना दी है कि 355 रजिस्ट्रेशन देश विदेश के क्षेत्रों से हो चुके हैं। कुछ वेबिनार्स में हमने अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों को बुलाया था, संयोग से पाकिस्तान, अफगानिस्तान, अमेरिका और बांग्लादेश, यहाँ के एक्सपर्ट भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो हमने कोशिश की है कि हम इसे एक व्यापक रूप दे सकें, इसमें आप सभी का सहयोग अपेक्षित है। हमारी आगे आने वाली वेबिनार्स को भी हम सोशल मीडिया के माध्यम से और आपकी ईमेल्स के माध्यम से उसकी सूचना देंगे, इस विश्वास के साथ कि आप उसमें जुड़ेंगे और अपने वैचारिक योगदान से उसको और अधिक समृद्ध बनाएंगे। मैं एक बार पुनः हेमंत शेष जी का, अरविंद ओझा जी का, डॉक्टर पृथ्वी सेंगर जो हमारी तकनीकी सहयोगी, और आप सभी का जिन्होंने इस वेबिनार में पिछले लगभग एक घंटे से जुड़ करके हमारा उत्साहवर्धन किया है, मैं आप सभी के प्रति बहुत बहुत आभारी हूँ। जय हिंद, जय भारत। एक मिनट, सामने रिकॉर्डिंग।